Hey guys, subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update from Seekers Adda. Hello dosto, welcome to Seekers Adda. Dosto, is video mein hum dekhne wale hain coding decoding. Reasoning ka bahut hi zyada important topic aapka. Seedhe seedhe 5 number ka aata hai. Agar ye aapka substitutional coding hua to aapka 1 number ka aata hai. Number coding hua to aapka 1 number ka aata hai. Lekin ek jo apan Chinese coding kehte hain ki yahan par aapke 3-4 alphabets diye hue hain, numbers diye hue hain, words diye hue hain, unke combination mein samne unke codes rehte hain. Theek hai, to ye jo aapka aata hai ye seedhe seedhe 5 number ka aata hai. Uske alawa agar letter coding ho gayi, number coding ho gayi to ye bhi aapke 1 se 2 number ke aate hain. आसान रहते हैं बनाने में, इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम समय लेंगे इसे सॉल्व करने में. तो चलिए देख लेते हैं कोडिंग कितने प्रकार की होती है. तो सबसे पहले आपकी लेटर कोडिंग होती है, उसके बाद में नंबर कोडिंग, और साथ ही साथ आपकी थर्ड नंबर रहती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. लेकिन आजकल कई मिक्स कोडिंग भी आ गई हैं, तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था. बाकी इसमें आपको ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके मतलब अगर आपको ये चीज अगर नहीं आती है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए काफी मुश्किल रहेगी, जो कि है आपका प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स एंड ऑपोजिट अल्फाबेट की, यानी कि एच का ऑपोजिट अल्फाबेट एस होता है. ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है. ए से जेड तक की अपनी पूरी प्लेस वैल्यूज ध्यान रहनी चाहिए, साथ ही साथ ऑपोजिट आपके जो लेटर्स हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए. तो आपके टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं. ए से एम तक के अपने 13 अल्फाबेट हो गए, एन से जेड तक के अपने 13 अल्फाबेट्स हो गए. अपन ने क्या किया है, यहां से यहां तक के सीधे लिखा है, उसके बाद में एन से रिवर्स करके जेड तक के लिख दिया है. तो इससे अपन को सीधे सीधे पता चल जाएगा कि किसका ऑपोजिट अल्फाबेट कौन सा होता है. ठीक है, उसके साथ ही साथ ए बी सी डी आपके इनकी जो प्लेस वैल्यू, ए की 1 हो गई, बी की 2 हो गई, सी की 3 हो गई, आपको मुजबानी बिल्कुल याद रहना चाहिए अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही कम समय में सॉल्व करनी है तो. साथ ही साथ एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जब भी आप ऑपोजिट अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू का ऐड करेंगे तो उनका एडिशन होता है आपका 27. जैसे कि यहाँ पर डी का 4 है और डब्ल्यू का 23 है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो आपका आंसर आएगा 27. इसको बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. आज का ये वीडियो बेसिक वीडियो है जिसमें हम नंबर्स कोडिंग को ध्यान में रखेंगे. सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग मिक्स है ये, आपको कुछ ऐसे कोड्स दिए रहेंगे जिनको और उसके साथ में किस तरह की कोई कोडिंग की गई है आपको पता करना है, किस अल्फाबेट के लिए कौन सा कोड यूज किया हुआ है, साथ में जिसका कोड आपसे पूछा गया है उस पर वो अप्लाई करके आपको अपना आंसर बताना है. ठीक है, तो ये अल्फाबेटल ये जिसमें यूज होने वाला है वो अपन सेकेंड पार्ट में करेंगे. उससे पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसपे आपको प्लेस वैल्यू कैसे याद रखनी है, साथ ही साथ ऑपोजिट अल्फाबेट कैसे याद रखने हैं इसके बारे में बताया जाएगा. तो चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले नंबर कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग जिसे कहा जाता है, काफ़ी आसान रहती है, बहुत ही ज़्यादा आसान. बस आपको पहचानना रहता है कि किस अल्फाबेट के लिए कौन सा कोड यूज़ किया गया है. ठीक है, क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे. इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिस्टर इज कोडेड एज 535201, अंकल इज कोडेड एज 78960, फाइंड द कोड फॉर नियर. ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि सिस्टर के लिए किस तरीके से कोड किया गया. तो एस के लिए आपका 5 कोड किया गया है, आई के लिए 3 कोड किया गया. इसको आपको क्रॉस चेक ऐसे करना है कि अगर आप मान रहे हैं कि एस के लिए आपका 5 कोड किया गया है तो आप जरूर दूसरी तरफ देखेंगे कि आपका दूसरी बार भी एस के लिए 5 कोड है कि नहीं है. अगर आपका एस के लिए 5 कोड नहीं है, मतलब वहां पर कोई दूसरा लॉजिक चल रहा है, आपकी डायरेक्ट कोडिंग नहीं है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक कुछ ऐसा कॉमन ढूंढ लीजिए कि ई आपका यहाँ पर भी आ रहा है जिसका कोड क्या है, 0 है. अंकल में भी आपका ई आ रहा है और इसका कोड भी यहाँ पर 0 है, मतलब आप इससे समझ जाएंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है. आपको क्या करना है, यहाँ पर एन डबल ई आर के लिए कोड निकालना है. तो आप सीधे सीधे देख लीजिए एन का कोड क्या है, तो एन का कोड आपका क्या है, यहाँ पर 8. ई का कोड देख लीजिए, यहाँ पर भी 0 है, ई का कोड यहाँ पर भी 0 है. ठीक है, आर का कोड देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, 1. तो आप अपना आंसर 8001 वहां पर सीधे सीधे मार्क करेंगे. डायरेक्ट कोडिंग सिर्फ यही है, आपको कोड देखना है कि किस अल्फाबेट के लिए कौन सा कोड यूज हुआ है, उस जो भी आपसे पूछा गया है. जैसे कि एन के लिए यहाँ पर 8 का कोड है, सिर्फ आपको वहां पर पुट करना है और अपना आंसर मार्क करना है. बहुत ही आसान कोडिंग रहती है ये. अब देखिए, इन अ सर्टेन कोड अ नंबर 13479 इज रिटन एज ए क्यू एफ जे एल.
And 5286 is written as DMPN. Then how 396824 written in that language? आपको बता दिया गया है कि 13479 को अपन AQFGL लिखते हैं, अपन ने लिख लिया. 5286 को अपन DMPN लिखते हैं, आपको 396824 का को क्या लिखेंगे उस कोड में, आपको ये पता करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रॉस चेक करने के लिए एक बार देख लेंगे कि क्या आपके पास में कोई ऐसा कोड है यहाँ पर जो कॉमन है. ठीक है, तो ए यहाँ पर नहीं है, देखिए क्यू भी नहीं है, एफ भी नहीं है, जे भी नहीं है और एल भी नहीं है. यहाँ पर कोई भी आपका कोड कॉमन नहीं है. साथ ही साथ यहाँ पर आपको किसी भी कोड के लिए यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है. इस तरीके की जब भी कोडिंग आपको दी जाएगी कि कुछ यहाँ पर ऐसे दो से तीन आपको कोड्स दे दिए जाएंगे और उनके आपको अल्फाबेट से दिए जाएंगे, तो सीधे सीधे डायरेक्ट कोडिंग होती है. यहाँ पर आपको देख लेना है कि तीन की तीन तीन जो है वो किसके लिए यूज हुआ है. तो यहाँ पर देख लीजिए, क्यू के लिए यूज हुआ है, नाइन आपका एल के लिए यूज हुआ है, सिक्स जो है आपका पी के लिए यूज हुआ है, एट जो है आपका एन के लिए यूज हुआ है, टू है आपका तो एम के लिए यूज हुआ है, फोर जो है आपका एफ के लिए यूज हुआ है. यानी कि आप इसको अपना आंसर मार्क करेंगे, यानी कि उस लैंग्वेज में 396824 का कोड क्यू एल पी एन एम एफ होगा. ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपका ये कोड दिया रहेगा आप उसे मार्क करेंगे. सीधे सीधे बस यही करना है कि किस लेटर के लिए कौन सा कोड यूज किया है अपन को वो देखना है. ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके. देख लिए, दिस का कोड दिया हुआ है हैश डॉलर कॉपीराइट एट द रेट. उसी तरीके से चीफ का कोड आपको ये दिया हुआ है, आपको एच आई एस का कोड निकालना है. तो आप बस एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि यहाँ पर आपके जो भी अल्फाबेट्स कॉमन है उनका कोड जो है वो सेम है कि नहीं. तो देख लीजिए, यहाँ पर आपका एच आया है, इसका कोड क्या है डॉलर, यहाँ पर भी एच का कोड डॉलर है, मतलब आपका सेम डायरेक्ट कोडिंग है. यहाँ पर एच आई एस का आपको क्या करना है, कोड निकालना है. तो देखिए, एच यहाँ पर है, आई भी यहाँ पर है, एस भी यहाँ पर है, तो आपका कोड क्या हो जाएगा, डॉलर कॉपीराइट एंड एट द रेट. जिस भी ऑप्शन में ये होगा आप उसे मार्क करेंगे. चलिए एक और तरीके की कोडिंग रहती है यहाँ पर, वो देख लेते हैं. If I is called hand, यानी कि अगर I को hand कहा जाता है, hand is called mouth, mouth is called ear, ear is called nose and nose is called tongue. With which of the following would a person hear? ठीक है, आपको ये सारी चीजें बता दी गई कि माउथ को आपको ईयर कहा जाता है, ईयर इज कॉल्ड नोज. आपसे लास्ट में पूछा गया कि किसके द्वारा कोई पर्सन जो है वो सुनता है. ईयर यानी कि सुनना हो गया आपको, तो किसके थ्रू सुनता है, ईयर का, ईयर से अपन सुनते हैं. और आपको ये बता दिया गया है यहाँ पर कि ईयर इज कॉल्ड नोज. ईयर को क्या कहा जाता है, नोज कहा जाता है. तो आपका आंसर यहाँ पर देखे तो क्या आ जाएगा, ईयर, और ईयर को अपन क्या कह रहे हैं, नोज. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, यानी कि नोज. बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, लास्ट का को जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसका आंसर ढूंढेंगे और उस आंसर को इस कोडेड लैंग्वेज में क्या कहा जाता है उसको अपन क्या करेंगे, मार्क करेंगे. चलिए एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं. इफ ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वॉयलेट, देन व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास. तो व्हाट इज कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का कलर क्या होता है, ग्रीन का आ जाता है. अब ये देख लेंगे अपन इस क्वेश्चन में कि ग्रीन को क्या कहा जा रहा है. तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, ग्रीन इज कॉल्ड रेड आपको यहाँ पर कहा जा रहा है. आपका आंसर क्या था, कलर ऑफ ग्रास जो कि होता है ग्रीन, और ग्रीन को इस कोडेड लैंग्वेज में कहा जा रहा है रेड, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेड. बस इतना ही था आज के इस वीडियो में. अपन ने डिस्कस किया डायरेक्ट कोडिंग, साथ ही साथ अपन ने डायरेक्ट कोडिंग का एक और टाइप यहाँ पर डिस्कस कर लिया. सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल घुमाना फिराना नहीं होता है इसमें. डायरेक्ट आपको कोड दिया जाएगा, कोड पहचानना है, और जिस भी चीज़ के लिए आपको कोड निकालने को कहा जाएगा उसके लिए आपको कोड निकालना है. बस इतना ही रहता है इसमें. जो इंपॉर्टेंट रहती है वो आपकी रहती है चाइनीज कोडिंग, और साथ ही साथ जो आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग आती है जिसमें आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट जो अल्फाबेट है उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है. तो जस्ट एक ही आपका इंट्रो था कोडिंग डिकोडिंग को लेकर. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू का, साथ ही साथ ऑपोजिट जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं उनको. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग, साथ ही साथ आपकी चाइनीज कोडिंग भी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू दोस्तों.